भाई राजस्थान जयपुर पहुंच के इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, ये चेक कर। तो गाइस फाइनली पहुंच गया जयपुर द कैप, और यहाँ भैया की तरफ से भाई ये माउंटेन व्यू ऑफर दिया भैया ने। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गाइस अभी हम है खाटू श्याम मंदिर के पास में ही। कल रात में खाटू श्याम मंदिर के हमने दर्शन कर लिए थे। दर्शन करने के बाद खाना आना खा के हम आगे आ चुके थे। आगे आके हमने यहाँ पर टेंट लगाया था अपना, और अभी सुबह सब उठ चुके हैं आगे जाने के लिए, और सुबह के बज रहे हैं 7:30। बहुत जल्दी निकल रहे हैं आज हम लोग, क्योंकि यार यहाँ पर पानी वानी की सुविधा तो थी नहीं जहाँ पर हमने टेंट लगाया था, इसलिए हम फ्रेश तो हो गए हम। और फाइनली आगे जाके अभी नहाते हैं और भाई फिर आगे की तरफ निकलते हैं। और मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है आज। आज हमें भाई जयपुर पहुँचना है। जयपुर यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है, तो देखते हैं पहुँचते हैं नहीं पहुँचते। पहले हमें यहाँ से रिंगस जाना पड़ेगा। रिंगस यहाँ से 15 से 17 किलोमीटर है। अभी चलते हैं, अभी देख सकते हो भाई। और यहाँ भाई पूरी रात भर खाटू बाबा के भक्त यहाँ पर चलते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। 17 किलोमीटर की उनकी परिक्रमा होती है, जब जाके वो पहुँच पाते हैं दर्शन करने के लिए। बाबा जा रहा हूँ आपके द्वार से, फिर से आऊँगा, बस आशीर्वाद बनाए रखना अपना। तो फाइनली गाइस सुबह से 25 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुँच चुके हैं रिंगस जयपुर हाईवे पे। और यहाँ पर हम कर रहे हैं भाई ब्रेकफास्ट। भाई ब्रेकफास्ट में यार यहाँ पर कचौड़ी यही सब मिलते हैं। फाइनली हमें छोले कुलचे और बिरयानी की खिली दिखी। सामने है छोले कुलचे और इधर है बिरयानी, दोनों में से चूज़ करा हमने भाई छोले कुलचे। छोले कुलचे खाएंगे और फिर आगे निकलेंगे। और धूप बहुत तेज़ निकली हुई है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सामने जो आप हाईवे देख रहे हैं ये सीधा जा रहा है जयपुर की तरफ। तो फाइनली गाइस खाना खा के आ चुके हैं हाईवे पे। ये हाईवे हमें नहीं छोड़ना, ये हाईवे सीधा चोमू और जयपुर तक जाएगा। तो हमें पहले चोमू जाना है फिर जयपुर। जयपुर यहाँ से भाई 62 किलोमीटर है, देखते हैं आज जा पाते नहीं जा पाते हैं। ये हाईवे भाई, और भोले ने मौसम भी बढ़िया कर रखा भाई, ठीक ठाक है मौसम भी, यहाँ ज़्यादा धूप नहीं है। पर भाई राजस्थान का कुछ पता नहीं यहाँ के मौसम का, कभी धूप कभी गर्मी ऐसा होता रहता है। चलते हैं। तो भाई फाइनली सुबह से 50 किलोमीटर का हमने सफ़र तय कर दिया। देख सकते हो भाई जो हम पूरे दिन में करते थे, और इतनी ज़्यादा धूप में आज हमने भाई सिर्फ 1:30 बजे तक ही कर दिखाया। क्या बात है, क्योंकि आज हमें भाई जयपुर पहुँचना ही पहुँचना है। जयपुर यहाँ से बस 30 किलोमीटर बचा हुआ है। और अभी भाई गन्ने का जूस पी रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए देख सकते हो भाई कितनी भयंकर गर्मी है यहाँ पर। गन्ने का जूस पी रहे हैं अपना ताज़ा बनवा के। भैया आ गया अपना गन्ने का जूस, एकदम ताज़ा जूस है भाई, बिल्कुल अभी बनाया भैया ने। क्या बात भाई, मजा आ गया आज तो यार, सच बता रहा हूँ भाई। पता नहीं लग रहा कि यार ये 60-70 किलोमीटर कब हमने निकाल दिए हैं भाई। और हमें भैया मिले हैं और उधर भी भैया मिले हैं, क्या बात है भाई। अभी हम चोमू पहुँचे हैं, यहाँ से जयपुर की दूरी कम से कम 25 से 26 किलोमीटर है। और यहाँ भैया की तरफ से भाई ये माउंटेन व्यू ऑफर दिया भैया ने। तो गाइस फाइनली पहुंच गया जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान, देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फाइनली गाइस पहुंच गया जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान। ये देखो भाई यहाँ पहुंच के सब पिंक नजर आ रहा है भाई अब तो, क्या बात है भाई। राजस्थान जयपुर पहुंच के इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, ये चेक करो यार सब पिंक। और अभी चलते हैं आगे की तरफ अपने आकाश भाई से मिलने के लिए। तो भाई ये है जयपुर की पिंक सिटी का नज़ारा, ये देख सकते हो। जैसे अपने यहाँ चांदनी चौक है ना, ऐसी मार्केट लग रही है भाई यहाँ पर तो। और सामने एक बड़ा सा गेट बनाया गया था, बहुत ही खूबसूरत है भाई। भाई बिल्कुल चांदनी चौक जैसी मार्केट लग रही है, जैसी अपनी दिल्ली में है, ये चेक करो यार। और भाई सब कुछ पिंक नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई जयपुर। फाइनली भाई पहुंच चुके हैं आकर्ष भाई के घर, जो हमें लेह लद्दाख में मिले थे। मिलवाते हैं उनसे ऊपर, पहले अपनी साइकिलिंग हमने पार कर दी है आज भाई। बहुत बुरी हालत हो गई भाई आज तो यार, सबसे पहले नहाएंगे यार, क्योंकि पूरे शरीर पे डस्ट हो रही है भाई। हेल्प बहुत ज़्यादा मिली है आज। तो गाइस फाइनली ये हैं अपने आकर्ष भाई, जो हमें लद्दाख में मिले थे। कैसे हो भाई? अरे बस मस्त, बढ़िया। कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है? डेढ़ दो महीने बाद मुलाकात हो रही है भाई से, देख रहे हो भाई। कैसा लग रहा है भाई घर में रह के? घर में रह के बिल्कुल बढ़िया लग रहा है यार। अच्छा बाहर
जब स्ट्रगल करते हैं बाहर, हाँ, तो लोगों से नए लोगों से मिलते हैं, उसमें मजा आता है। घर में ऐसे हमारा हाल है, घर रह के हमारा जी नहीं लगता, बाहर निकलो बस, बाहर चलो और सब बढ़िया, परेशान होते हैं। हाँ भाई, आज देख लो हम कितना टाइम पे पहुंच चुके हैं। फाइनल पर्यटन दिवस है, अच्छा पर्यटन दिवस है, इसकी वजह से भाई आज यहाँ पर सब कुछ फ्री है। अभी 4:30 बज चुके हैं, देखते हैं आज कहीं जाते हैं या नहीं जाते हैं, अभी तो पहले रेस्ट करेंगे यार। लो जी, आ चुका है भाई अपना आज का खाना, राजस्थानी फेमस डिश। तो भाई ये है दाल बाटी चूरमा, ये है राजस्थान का मोस्ट फेमस डिश। तो फाइनली गाइस खाना वाना खा के अभी हम थोड़ा जा रहे हैं घूमने मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये है भाई की कार, ये देख सकते हो भाई, सुजुकी की सबसे पहली कार है ये, इसमें जाएंगे अब हम, क्या बात है, चलते हैं दर्शन करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं नाहरगढ़ फॉरेस्ट एरिया में, और यहाँ पर भाई पूरा जयपुर का सिटी व्यू दिखता है, बहुत ही प्यारा। अभी चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो भाई सामने देख रहे हो पूरा जयपुर का नाइट व्यू कितना प्यारा लग रहा है, और सामने है जल महल, भाई पानी के बीच में एक महल, कितना प्यारा लग रहा है यार, ये भी देख रहे हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई प्री वेडिंग सूट, क्या बात है भाई। और यहाँ पर आप देखेंगे भाई कांच ही कांच मिलेंगे आपको। तो जी अभी मैं आ चुका हूँ नाहरगढ़ का किला देखने के लिए, जो कि जयपुर का मोस्ट फेमस किला है ये नाहरगढ़ का किला। इसका जो निर्माण है सन 1734 में करवाया गया था, ये देख सकते हैं ये है, और नाइट में तो भाई अलग ही दिखता है इसका व्यू। भाई आज जो है पर्यटन दिवस है, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है एंट्री। अभी चलते हैं पूरा देखेंगे नाहरगढ़ का किला कैसा होने वाला है भाई। भाई ये है नाहरगढ़ किला, देख रहे हो भाई नाइट व्यू कितना प्यारा आता है इसका, और सामने लिख रखा है यू आर हेल्थी वेलकम नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर ऑन द वर्ल्ड टूरिस्ट डे, क्या बात है। तो भाई अंदर आते ही सबसे पहले आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा, सामने देख सकते हैं ये एक स्टार की तरह बना रखा है, भाई कितना प्यारा लग रहा है ना, देख सकते हो भाई, वाह भाई क्या स्ट्रक्चर है यार, बहुत ही खूबसूरत भाई जो इसका डिज़ाइन है, भाई राजा महाराजाओं ने कैसे कितना प्यारा डिज़ाइन करवा रखा है ये, और ऊपर भाई बंदर, अच्छा ओ माय गॉड, ओ भाई देख रहे हो इस किले के कितने ज़्यादा गेट है भाई। भाई अगर आप लोग आ रहे हो तो किसी जान पहचान के बंदे को लेके आना, वरना आप मुझे लगता है खो जाओगे भाई, मगर इसमें इसमें खो जाएंगे इसके भाई। एंट्री और एग्जिट के बहुत सारे गेट है भाई, आओ क्या बात है भाई, ये देख सकते हो भाई कितना प्यारा स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा यार। छोटी छोटी हमला कर दी, तो भाई ये देख सकते हो इतनी पतली पतली सीढ़ी बना रखी है यहाँ पर किले में, इतनी पतली पतली सीढ़ी इसलिए बना रखी है, तो जो भी मतलब कभी हमला हो तो एक एक करके आए ताकि वो जल्दी से मार गिराए सैनिक उनको, क्या बात है भाई। नाइट का व्यू सबसे ऊपर का कितना प्यारा लग रहा भाई, वाह यार। भाई बंदर बहुत सारे हैं भाई, तो गाइस ये चेक करो भाई जयपुर, वाह यार कैपिटल ऑफ राजस्थान भाई, किसी जन्नत से कम नहीं है भाई, ये चेक करो यार भाई, बंदा तेरे ऊपर चढ़ गया, क्या खतरनाक सीन है यार सच में यार। इनकी सीढ़ी देख सकते हो कितनी पतली पतली सीढ़ी है, ताकि अगर कुछ भी होता है तो सिर्फ एक एक आए और गोलियों से बिल्कुल छन्नी धु करके छन्नी कर दे। और भाई अभी हम फंस चुके हैं यहाँ के, क्योंकि भाई इस किले के इतने ज़्यादा रास्ते हैं, सामने आप देख सकते हो कितना लंबा रास्ता जा रहा है, इसमें छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, कुछ नहीं पता अभी कहाँ जाना भाई, कहाँ जाना भाई, कहाँ गए, देख रहे हो भाई ये है भाई यहाँ पर,
पतीला भाई मजा आ गया देखिए यार। भाई फाइनली देख के आ गए भाई, ऐसा लग रहा है हम किसी किले में नहीं, किसी भूल भुलैया में आके भटक गए भाई। रास्ते नहीं पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं भाई, बस ऐसे चलते रहे तो बस बाहर आ गए। तो भाई फाइनली आ चुके हैं अपने रूम में, और रात में यार जितने भी किले थे ना सब क्लोज हो गए थे, बस ये भानगढ़ किला था ना वही देख पाए हम, और बाकी जो हम चीजें हैं वो कल एक्सप्लोर करेंगे, और यहाँ पर एक फेमस मंदिर है वो भी कल दर्शन करेंगे। और भाई अभी बहुत ज्यादा थक चुके हैं यार, और नींद भी काफी चढ़ रही है आंखों में, और अभी सिर्फ आराम करेंगे। और वो दोनों देख लो कैसे लड़ रहे हैं भाई, ये है भाई, और ये अपना आज का रूम, काफी प्यारा रूम है भाई, जैसे पुराने जमाने में होते हैं ना, बढ़िया यार एकदम मस्त वाला है भाई। सामने चार्जर लगा रखा है। तो चलो भाई आज की वीडियो को करते हैं एंड, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद।